हेलो फ्रेंड्स, वरुण जैन दिस साइड। कल आईसीएआई ने बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट एंड डिडक्शन इन सीए इंटरमीडिएट कोर्स। बहुत ही अच्छा मूव आईसीएआई के थ्रू, सीए इंटरमीडिएट कोर्स को बहुत ही हल्का कर दिया गया, पास होना हुआ और भी आसान। इस टाइप के रिफॉर्म्स हम चाह रहे थे कि आईसीएआई टाइमली करती रहे, बट आई रिस्पेक्ट आईसीआई की, उन्होंने बहुत ही जल्दी कोर्स को रिड्यूस किया, अनवांटेड चीजों को रिमूव किया। उसी की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। मैं अपने सब्जेक्ट्स की डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अब ये अनाउंसमेंट है क्या? सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग को पकड़ के चलेंगे, तो मैं आप लोगों को साथ साथ बोर्ड ऑफ स्टडीज की अनाउंसमेंट भी दिखा देता हूं, जो कि ये रही दिस। अब देखिए जी, ये अनाउंसमेंट है क्या? सबसे पहले तो बच्चे, जिन बच्चों का अटेम्प्ट नवंबर 19 में है, जिन बच्चों का अटेम्प्ट कब है जी, नवंबर 19 में अटेम्प्ट है, उनके लिए अकाउंटिंग के पेपर में एंड एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान से सुनते रहना ये वीडियो, बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू अनाउंसमेंट, तो उसी चीज को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। जिन बच्चों का अटेम्प्ट नवंबर 19 में है, अकाउंटिंग का पेपर में और एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है जी। अब आती है बात, सर व्हाट अबाउट मई 2020? ये देखिए जी, जिन बच्चों का अटेम्प्ट है मई 2020 में, तो ये देखिए, ये अनाउंसमेंट है मई 2020 के लिए। मई 2020 में जिनका अटेम्प्ट है उनके लिए पेपर नंबर 1 दैट इज योर अकाउंटिंग, उसमें आईसीएआई ने क्या किया, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हटा दिया, दैट इज AS4, AS5, AS17 एंड AS22। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने कोर्स से डिलीट कर दिए, ओके जी। प्लस एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का टॉपिक होता था, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसमें कई सारी चीजें आती थी, लाइक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड सम इश्यूज रिलेटेड टू LLP अकाउंटिंग। ये सारे टॉपिक्स आईसीएआई ने अकाउंटिंग पेपर से, दैट इज पेपर नंबर 1 से हटा दिए। कहां पर डाल दिए? ये पेपर नंबर 5 में डाल दिए, ठीक है जी। एक तो ये पेपर नंबर 1 में कुछ अमेंडमेंट्स थी, तो पेपर नंबर 1 ने, अगर आप ब्रीफ करें तो अमेंडमेंट्स क्या है, पेपर नंबर 1 से कुछ टॉपिक्स को सिर्फ डिलीट किया गया है, कोई एडिशन नहीं है, सिर्फ डिलीशन है, ठीक है जी। अब अगर हम पेपर नंबर 5 की तरफ आए, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग में, तो ये देखिए जी क्या कह रहा है, जो पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 5 में टॉपिक आया, जो कि अभी हमने डिस्कस करे, दैट इज AS4, 5, 17 एंड 22, प्लस जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक था, वो पेपर नंबर 1 से शिफ्ट हो गया है, कहां पर, पेपर नंबर 5 में। तो अब पेपर नंबर 5 में, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग में, आपको ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। प्लस बहुत ही अच्छी चीज जो आईसीएआई ने करी, दैट इज रिमूव कर दिया कुछ कंटेंट को फ्रॉम एडवांस अकाउंटिंग पेपर। क्या? एक चैप्टर हुआ करता था जी, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है इस चैप्टर की, तो इसलिए आईसीएआई ने रिमूव किया। कुछ गाइडेंस नोट्स थे आईसीएआई के, बहुत सारे गाइडेंस नोट थे जो कि पहले भी देखो इतने रेलेवेंट होते नहीं थे, बट अब आईसीएआई ने क्या कर दिया, कंप्लीटली इसे रिमूव कर दिया। प्लस एक टॉपिक था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उसको यहां से हटा दिया गया। एंड कुछ टॉपिक्स थे लाइक इंश्योरेंस कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, म्यूचुअल फंड्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन सबको डिलीट कर दिया गया, ठीक है जी। तो ये सब हमारी कुछ अमेंडमेंट्स थी विद रिस्पेक्ट टू पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग फॉर नवंबर 19 एंड मई 20 अटेम्प्ट। एक बार मैं दोबारा सम अप कर देता हूं वीडियो को। देखिए जी, नवंबर 19 अटेम्प्ट के लिए अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग पेपर 1 और 5 में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप जिस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नवंबर 19 के हिसाब से जो तैयारी करते हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, कोई भी चेंज नहीं है, ओके। मई 20 के लिए अकाउंटिंग में से, पेपर 1 में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया। कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया जी? AS4, AS5, AS17 एंड AS22, इन टॉपिक्स को डिलीट किया। प्लस एक पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक हुआ करता था, जिसमें पूरा डिसोल्यूशन का कांसेप्ट था, वो पूरा चैप्टर यहां से पेपर 1 से हटा दिया गया। अब ये जो डिलीशन करी है पेपर नंबर 1 से, इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर, पेपर नंबर 5 में, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग में। तो अब एडवांस अकाउंटिंग में आप लोगों को क्या पढ़ना है? AS4, 5, 17, 22, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लस डिसोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा।
एंड एडवांस अकाउंटिंग में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, गाइडेंस नोट जितने भी थे सारे हटा दिए गए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक हटाया गया एंड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग के टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। तो ये अमेंडमेंट्स थी हमारी अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग में। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस व्हाट अबाउट द चेंजेस इन पेपर ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, दैट इज पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 में क्या चेंजेस है, तो आइए देखते हैं पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। पेपर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये देखिए जी, पेपर नंबर 6 में नवंबर 19 से ही चेंजेस है। ध्यान देना मेरी बात को, ऑडिट के पेपर में नवंबर 2019 से ही चेंजेस हैं। मतलब जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2019 में है उनको ही रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ना है। बहुत अच्छी चीज करी आईसीएआई ने, कंफ्यूजन डाली नहीं कि भाई नवंबर 19 में क्या पढ़ना है, मई 20 में क्या करना है। उन्होंने बोल दिया भैया नवंबर 19 से ही आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है, ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नवंबर 19 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है। अब वो चेंजेस क्या है, लेट अस डिस्कस। देखिए जी, एक टॉपिक हुआ करता था लाइक स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग इन अंडर सेक्शन 227(1)(a) ऑफ द कंपनी एक्ट, दैट इज 143(1) की एक रिपोर्टिंग हुआ करती थी, उसकी स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करते थे, उस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी नहीं था वो। लेकिन जो बहुत अच्छी चीज आई, दैट इज रिडक्शन इन सम एसएस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हटाया गया। कौन कौन से एसए हटाए गए, एसए 260 रिमूव्ड, एसए 265 हटा दिया गया, एसए 330 हटा दिया गया, 402 नंबर का एसए हटा दिया गया, 450, 540, 600, 620 एंड 720। तो देखा जाए तो सर 9 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को रिमूव कर दिया गया। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिमूव करना तो सर मैं खुद मानता हूं कि रिडक्शन इन सिलेबस है, क्योंकि आईसी ऑडिट के पेपर में सर स्टैंडर्ड्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स को उन्होंने 9 स्टैंडर्ड्स को यहां से रिमूव किया गया, प्लस कुछ गाइडेंस नोट भी होते थे ऑडिट में, दैट इज ये सब गाइडेंस नोट्स थे लाइक ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज, ऑडिट ऑफ डेटर्स लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कैश बैंक, ऑडिट ऑफ लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(3)(f)(h). ये कुछ रिपोर्टिंग के गाइडेंस नोट हुआ करते थे, इसको भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है जी, तो एक बार सम अप करते हैं ऑडिटिंग की रिडक्शन को। ऑडिट के पेपर में सर 9 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हटाया गया। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक बार दोबारा देखते हैं, ऐसे 260, 265, 330, 402, 450, 540, 600, 620 एंड 720, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को रिमूव किया गया। कुछ गाइडेंस नोट थे, गाइडेंस नोट को भी रिमूव किया गया एंड कंसिडरेबली ऑडिट के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी क्लियर होगी होगी, क्योंकि सर ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस अटेम्प्ट के लिए कितनी रिडक्शन एप्लीकेबल है। तो दोबारा एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं सर। दोबारा देखिएगा, अगर अकाउंटिंग की बात करें और एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो नवंबर 19 अटेम्प्ट नो चेंज, मई 20 अटेम्प्ट में चेंज है। क्या चेंज है कि अकाउंटिंग के टॉपिक्स में से, अकाउंटिंग के पेपर में से एएस 4, 5, 17, 22 हटा दिए गए, डिसोल्यूशन का टॉपिक हटा दिया गया, ये सारे शिफ्ट कर दिए गए कहां पर, एडवांस अकाउंटिंग में। और एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस में से क्या क्या रिमूव हुआ है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, और बताइए कौन कौन सा रिमूव हुआ था। अंडरराइटिंग के साथ साथ हमारे रिमूवल थे अपना गाइडेंस नोट जितने भी थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक था, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स, ये टॉपिक्स एडवांस अकाउंटिंग से रिमूव हो गए फ्रॉम मे 20 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, एंड ऑडिट के सिलेबस में नवंबर 19 से ही चेंजेस है। क्या चेंजेस है, 9 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट जो लिस्ट में आपके सामने आ रहे हैं, ये 9 के 9 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट हट गए, गाइडेंस नोट हट गए और एक स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग होती थी 143(1) की, वो रिमूव कर दी गई। आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब आप अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं, अपने अटेम्प्ट को प्लान कर सकते हैं, जो डिसीजन लेना है बिल्कुल सोच समझ के लेना सर, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है जी, हमारी जो क्लासेस है वो बैचेस हमारे रन कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बैचेस हमारे चल रहे हैं अकेडमी ऑफ कॉमर्स सीपी ब्रांच दिल्ली में, और कुछ नए बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग अगर वो बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपने बैचेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एओसी में नंबर शेयर हो जाएंगे, वेबसाइट आ जाएगी, जो भी आपको सूटेबल लगता है वहां पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।